हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल रीड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड दिस इज़ पार्ट सेकंड, सो लुक एंड अंडरस्टैंड द लेसन इट्स राइटर नेम इज़ फैडरिक फॉरसिथ मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट मून के बारे में बात कर रहे हैं कि मून जो है ईस्ट की जो डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन उस साइड जो है आ रहा था ऊपर आ रहा था अभी जब मून ऊपर आ, आ रहा है मून का सीन है तो इट मीन्स ये रात का दृश्य है बिहाइंड मी मेरे पीछे द एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई और स्टार्स जो है एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अब मी और जो तारे हैं वो साफ आसमान में मेरे ऊपर चमक रहे थे देर वजन अ क्लाउड इन द स्काई आसमान में एक भी बादल नहीं था क्लाउड नहीं था आई वॉज़ हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अब द स्लीपिंग कंट्री बोलने की जो सोता हुआ जो देहात है मैं उसके ऊपर अकेले था और अकेला मुझे खुशी महसूस हो रही थी अकेले में आई was फ्लाइंग my ओल्ड Dakota aeroplane ओवर फ्रांस मैं अपने ओल्ड Dakota जो एरोप्लेन है उसको लेके France फ़्रांस के ऊपर उड़ रहा था बैक टू इंग्लैंड मैं वापस इंग्लैंड जा रहा था आई was ड्रीमिंग ऑफ my holiday एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू being विद my फैमिली मैं अपने हॉलीडे के बारे में कुछ सोच रहा था कुछ सपने देख रहा था लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली अपने फैमिली के साथ में फैमिली के बारे में सोच रहा था अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था आई लुकड एट माई वॉच मैंने अपनी घड़ी पर देखा वन थर्टी इन द मॉर्निंग रात की सुबह की जो है एक बजकर तीस मिनट वन थर्टी आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थाट मैंने सोचा कि मैं जो है पेरिस कंट्रोल रूम में मुझे कॉल करनी चाहिए एज़ आई लुक्ट डाउन पास्ट द नोज़ ऑफ़ द एरोप्लेन। जैसे ही मैंने जो एरोप्लेन का आगे का हिस्सा है नोज़ ऑफ़ द एरोप्लेन उसकी ओर देखा आई सॉ लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी तो मैंने क्या देखा अपने सामने जो बड़ी जो बड़ा जो शहर है उसकी लाइट्स थी आई स्विच्ड ऑन द रेडियो मैंने रेडियो को ऑन किया एंड सेड और उस रेडियो पर मैंने कहा पेरीज कंट्रोलोटा डी एस जीरो जीरो डेकोटा डी एस जीरो एट एट हेयर कैन यू हेयर मी मैंने इस तरह से बोला कि क्या आप मुझे सुन सकते हो आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली और रेडियो पर मुझे आंसर तुरंत मिल गया डी एस ज़ीरोट एट आई कैन हियर यू डी एस जीरो जीरो एट मैं तुम्हें सुन सकता हूँ यू आर टू टर्न डिग्रीज वेस्ट नाउ तुम्हें जो है बारह डिग्री वेस्ट की ओर घूमना चाहिए डी एस जीरो एट एट तो इस तरह से वहाँ से मैसेज आ गया आई चेक द मैप मैंने मैप चेक किया एंड द कम्पास जो कम्पास होता है एक डायरेक्शन शो करने वाला इंस्ट्रूमेंट स्विस्ट ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक मैंने अपना दूसरा और अंतिम जो फ्यूल टैंक था उसको ऑन किया एंड टर्न द डोटा ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट टूअर्ड्स इंग्लैंड और अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लन को बारह डिग्री वेस्ट की ओर वेस्ट इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट मैं नाश्ते के समय वहाँ होऊँगा आई थाट मैंने सोचा अ गुड बिग इंग्लिस ब्रेकफास्ट एक अच्छा अंग्रेजी नाश्ता एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल सब कुछ अच्छा चल रहा था इट वॉज एन ईजी फ्लाइट ये बड़ी आसान उड़ान थी पेरिस वॉज अबाउट वन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर्स बिहड मी वैन आई सॉ द्लाउड्स पेरिस जो है लगभग जो है एक सौ पचास किलोमीटर पीछे था वैन आई सॉ द क्लाउड जब मैंने बादलों पर देखा स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स तूफानी बादल दे वर ह्यूज वे बहुत बड़े थे ह्यूज में होता है बहुत बड़े वेरी विग दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेंस वे ऐसे दिख रहे थे जैसे काले पहाड़ हों स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई और मा ब्लैक माउंटेंस हों और मेरे सामने जो है आसमान में खड़े हों आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप मैं जानता था कि मैं उड़ नहीं सकता था आई डिड नॉट हैव इनअ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ और मेरे पास में इतना पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की ओर उड़ूँ आई और टू गो बैक टू पेरिस आई थाट मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए बट आई वॉटेड टू गेट होम लेकिन मैं घर जाना चाहता था आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट मैं उस नाश्ते को चाहता था आई टेक द रिस्क मैं खतरा लूँगा आई थाट मैंने सोचा एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड एक्कोटा स्ट्रीट इन टू द स्ट्रॉ और मैं उसको लेके सीधा जो मेरा एरोप्लेन था उसको लेके सीधे तूफान में चला गया इन द क्लाउड्स बादलों के अंदर एवरी थिंग वॉज सडनली ब्लैक हर सब कुछ काला था इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लन एरोप्लेन की बाहर देखना असंभव था द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द ईयर जो पुराना मेरा एरोप्लन है वो उछला मुड़ा आई लुक्ड एट द कम्पास मैंने कम्पास पर देखा आई कुडेंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं हुआ आई कुडेंट बिलीव माई आइस मुझे मेरी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ द कम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड जो कम्पास है वो गोल गोल घूम रहा था इट वॉज़ डेड वो डैड था मतलब एक काम नहीं करा था इट वुड नाट वर्क द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास में थे सब डेड हो गए टू आई ट्राइड द रेडियो मैंने रेडियो पर कोशिश की पेर इज कंट्रोल पेर इज कंट्रोल कैन यू हेयर मी मैंने रेडियो पर ट्राई किया बोलने का देयर वॉज़ नो आंसर कोई आंसर नहीं मिला मुझे द रेडियो वॉज डेड टू रेडियो भी डेड था आई हैड नो रेडियो नो compass and एंड आई कुड नॉट सी I आई मेरे पास में कुछ नहीं था अब और मैं ये भी नहीं देख सकता कि मैं कहाँ था आई was लॉस्ट इन द storm मैं तूफान तो में खो गया था देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी फिर मेरे सामने काले बिल्कुल मेरे पास में काले बादल आई आई सॉ अनदर एरोप्लेन मैंने क्या देखा कि अपने सामने जो है एक दूसरा एरोप्लेन इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉम लेकिन मैं देख सकता कि मेरे ठीक सामने ये मुझसे आगे उड़ रहा था आई कुड सी द पायलट्स फेस मैं पायलट का फेस देख सकता था टर्न टूवर्ड्स में जो मेरी उम्र मेरी उम्र घूमा आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन और मैं दूसरे व्यक्ति को देख के बहुत खुश था ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेब्ड उसने एक हाथ ऊपर किया और हिलाया फॉलो मी और उसने कहा मुझे फॉलो मी ही वॉज सींग फॉलो मी वो, वो मुझसे बोल रहा था कि फॉलो मी मेरा पेशा करो या मेरे साथ में चलो वो कह रहा था कि मेरे साथ में चलो ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट और वो जानता था कि मैं खो गया था आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी और वह जो है जो अनदर पायलट है वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ही टर्न हीज़ एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ उसने धीरे से अपना एरोप्लेन नॉर्थ की ओर किया इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा मेरे डेकोटा के सामने सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम ताकि उसको फॉलो करना आसान हो जाए आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड देंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड और मैं बहुत खुश था उसके पीछे उस विचित्र एरोप्लेन के पीछे जाके जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्रैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स और आधे घंटे बाद भी जो तो विचित्र एरोप्लेन है वो अभी जो है बादलों बाद के सामने मेरे मुझे दिख रहा था नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द फ्यू इन द ओल्ड एक्कोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फाइव और टेन मिनट्स मोर और अब मेरे पास में केवल पाँच और दस मिनट उड़ने के लिए इतना ही पर्याप्त फ्यूल था आई वॉज़ स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन मैं फिर से भयभीत हो गया था बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन लेकिन फिर जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसने नीचे जाना शुरू किया आई फॉलोड थ्रू द स्टॉक मैंने तूफान में तूफान में उसका पीछा किया सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया एंड आई सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी इट वॉज रन वे रन वे था एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड द ब्लैक एरोप्लन मैं सुरक्षित था सीफ नहीं सुधर सुरक्षित मैं सुरक्षित था और मैं अपने फ्रेंड को देखने के लिए गया जो कि ब्लैक एरोप्लन में था बट द स्काई वॉज एम टी लेकिन आसमान खाली था देर वॉज़ नथिंग देयर आसमान में कुछ नहीं था द ब्लैक एरोप्लन वॉज गॉन ब्लैक एरोप्लन जा चुका था आई कुड नॉट सीट एनी हुईर मैं इसको कहीं नहीं देख सकता था आई लैंडड एंड वॉज़ नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्राम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर आई वेंट एंड आस्क अन मैं गया और मैं एक मैंने एक महिला से पूछा इन द कंट्रोल सेंटर वेर आई वॉज एंड दर पायलट वॉज़ मैंने पूछा उस महिला से मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था आई वॉन्टेड से थैंक यू मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सी लुक्ड एटमी उसने मुझे देखा कैसे वेरी स्ट्रिंजली बड़े अजीब तरह से एंड देन लास्ट और फिर वो हंसी अंदर एरोप्लन दूसरा एरोप्लन अप इन दियर इन दिस्टम इस तूफान में नो अधर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट आज कोई भी एरोप्लेंस नहीं उड़े थे योर्स वॉज द ओनली वन आई कोड सी द राडार मैंने केवल तुम्हारा ही एरोप्लन देखा सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देअ सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो तो किसने मेरी हेल्प की एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स और मेरे मेरे uh, ओल्ड डेकोटा में कोई फ्यूल uh, नहीं था हु हुज़ द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन कौन सा पायलट था फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम तूफान में उड़ रहा था विदाउट स्लाइट बिना लाइट्स के तो इस तरह से जो ये लेसन है इसको आप समझेंगे कि कौन था वो दूसरा एरोप्लेन किसने उसकी हेल्प की क्या उसका इनर कॉन्फिडेंस था yes. या मैं फास्ट फर्स्ट लूँगा कि सो अंडरस्टैंड द लेसन एंड No down new words.